जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। अब राशन कार्ड संबंधित सुविधा आपको घर बैठे मिलने वाली है। केवल एक कॉल के माध्यम से आप राशन कार्ड बनवा सकते हैं। मितान योजना में इसको शामिल करने के लिए खाद्य विभाग ने प्रस्ताव भेज दिया है। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ सरकार घर बैठे लोगों का राशन कार्ड बनवाने की बड़ी सुविधा मुहैया कराने वाली है। इतना ही नहीं, नए सदस्यों का नाम जोड़ने, मृत सदस्यों का नाम कटवाने सहित किसी भी तरह के पता और विवरण इत्यादि में बदलाव के लिए कार्यालय में भटकने की जरूरत नहीं होगी। नई व्यवस्था में सामान्य श्रेणी के राशन कार्ड बनवाने के लिए 10 रुपए का शुल्क देना होगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसे मुख्यमंत्री मितान योजना में राशन कार्ड सुविधा को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है। फिलहाल प्रदेश के 14 नगर निगमों में शुरू किए गए मितान योजना में राशन कार्ड की व्यवस्था को शामिल करने की सहमति मिल चुकी है। राज्य सरकार की ओर से कराए जा रहे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिनका अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें को बीपीएल कार्ड की पात्रता है और एपीएल कार्डधारी हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत अब तक 67,000 से अधिक नागरिकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार शासकीय दस्तावेज घर बैठे ही प्रदान किए गए हैं मितान योजना के तहत। छत्तीसगढ़ में ई डिटेक्शन सिस्टम लागू हुआ है, जिसके अंतर्गत 99 वाहनों का चालान ऑनलाइन काट दिया गया ऑटोमेटिक तरीके से, जिसमें किसी भी प्रकार के मानव की आवश्यकता नहीं हुई। 10 से अधिक बार रजिस्ट्रेशन जो है होने पर अगर डिडक्शन होता है तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक रद्द कर दिया जाएगा। दरअसल परिवहन विभाग की पहल पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ई डिटेक्शन सिस्टम लागू करने के बाद 2 दिनों के भीतर ही 99 वाहनों का ऑटोमेटिक चालान जारी कर दिया गया है। ये चालान सीधे वाहन चालकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पते पर भेजा गया। बिना फिटनेस टैक्स और बिना दस्तावेज के चलने वाले वाहनों के खिलाफ ऑटोमेटिक ई डिटेक्शन सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया है। परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा के मुताबिक अनफिट गाड़ियों के होने की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने हेतु प्रदेश में सभी टोल प्लाजा पर ई डिटेक्शन सिस्टम लागू किया गया है। रेल मंत्रालय ने रावघाट परियोजना को अब हरी झंडी दे दी है। रावघाट से लेकर जगदलपुर तक 140 किलोमीटर पटरी बिछाने 500 करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं। रावघाट से लेकर के जगदलपुर तक लगभग 140 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने के लिए केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सहमति जाहिर कर दी है। डीपीआर अर्थात डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होने के बाद जुलाई से काम करना शुरू होने का अनुमान है। काम पूरा कराने के पहले चरण में 500 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। रेल लाइन बिछाने में तकरीबन 2000 करोड़ की लागत आने का अनुमानित है। ऐसे में अंतागढ़ से जगदलपुर तक 15 रेलवे स्टेशन, 32 बड़े और 172 छोटे पुलों का निर्माण होगा। दिल्ली के बाद गुदुम और भानुप्रतापपुर केवटी अंतागढ़ में रेलवे स्टेशन तैयार हो चुका है। वर्तमान में ट्रेन की सुविधा मिल रही है और परियोजना के तहत काम पूरा होने से रावघाट से भिलाई स्टील प्लांट में आयरन ओर की सप्लाई शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंकों में प्रबंधक के 522 पदों पर भर्ती होगी और कई जिलों में नौकरियों के लिए पोस्टेस निकाली गई हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंकों में राज्य निर्माण के बाद पहली बार 522 पदों पर एक साथ सीधी भर्ती होगी, और इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल को प्रस्ताव भेज दिया है। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक में कुल 86 पदों के लिए भर्ती होगी। इसी तरह जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर में 95, जबकि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर में 139 समेत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग में 74 और जिला केंद्रीय बैंक राजनांदगांव में 106 पदों पर भर्ती होगी। सहकारी संस्थाएं के पंजीयक नरेंद्र कुमार दुग्गा के मुताबिक उक्त पदों में कनिष्ठ प्रबंधक, 2 कनिष्ठ, इसके अलावा कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर और सामान्य सहायक तथा समिति प्रबंधक संवर्ग के पद शामिल हैं। JCCJ को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आने के पहले ही 400 कार्यकर्ताओं ने इनकी पार्टी छोड़ दी है। प्रदेश सचिव महिला एवं युवा विंग के पदाधिकारियों ने इस्तीफा सौंपा है। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों में जुटे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को बिलासपुर ने बड़ा झटका लगा। यहां प्रदेश सचिव महिला एवं युवा विंग के पदाधिकारियों के साथ ही तकरीबन 400 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी। इसी के साथ ही पदाधिकारियों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है। इधर बीते दिन से ही पार्टी बिलासपुर में अपनी सदस्यता अभियान शुरू करने वाली थी, और इसको लेकर पार्टी के प्रदेश सचिव करण मधुकर सहित अन्य पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पार्टी अध्यक्ष अमित जोगी पर उदासीनता और निष्क्रियता का आरोप लगाया।
दरिमा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री का प्लेन उतारा गया। बघेल ने कहा कि रायपुर, बनारस और दिल्ली के लिए फ्लाइट की डिमांड की जाएगी, जबकि DGCA से लाइसेंस का इंतजार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव प्लेन के माध्यम से अंबिकापुर के दरिमा में बने नए एयरपोर्ट पर लैंड किए, जहां उनके प्लेन ने 12:19 पर लैंडिंग की। यहां पहुंचने पर CM भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट की तारीफ की और कहा कि यहां से रायपुर, बनारस और दिल्ली के लिए फ्लाइट की मांग करेंगे, ताकि सरगुजा संभाग में रहने वाले लोगों को दूसरे राज्यों के लिए फ्लाइट पकड़ने के लिए रायपुर, बिलासपुर नहीं जाना पड़े। CM ने एयरपोर्ट और रनवे का निरीक्षण किया और कहा कि बेहद अच्छा एयरपोर्ट बना है। पहले हम लोगों ने हिचकोले खाते हुए यहां लैंडिंग की थी, लेकिन यह पूरी तरीके से समतल है। CM भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने दरिमा एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनका स्वागत नेताओं और अधिकारियों ने फूल माला के साथ किया। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, लुंड्रा विधायक डॉ. प्रीतम राम भी इस मौके पर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में 2000 हिंदी मीडियम स्कूल पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। खत्म हो रहा है लगातार हिंदी मीडियम स्कूलों का क्रेज और अब इंग्लिश मीडियम स्कूलों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। शिक्षा के बदलते इस वातावरण में हिंदी माध्यम स्कूलों का क्रेज लगातार खत्म होता दिखाई दे रहा है। पहले हिंदी माध्यम स्कूलों में एडमिशन को लेकर के मारामारी चल रही थी, लेकिन 4 से 5 सालों में हिंदी माध्यम स्कूलों को तगड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ के लगभग 2000 हिंदी माध्यम स्कूल बंद हो चुके हैं, वहीं कुछ स्कूल अभी भी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मामले में शिक्षाविदों का कहना है कि पालक खुद भी यही चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे ज़्यादा बेहतर शिक्षा प्राप्त करे, इसीलिए वो अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता के मुताबिक RTE के तहत हिंदी माध्यम स्कूलों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या ना के बराबर है, जबकि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सीटें फुल हो गई हैं और सीटें कम पड़ रही हैं। डिजिटल लॉकर की तरह हर अभ्यर्थी का पर्सनल प्रोफाइल अब व्यापम बना रहा है। भविष्य में कभी भी इसी प्रोफाइल के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अभ्यर्थियों की पर्सनल प्रोफाइल बनाने का निर्णय किया गया है। ये प्रोफाइल डिजिटल लॉकर की तरह ही होगी। इसके अनुसार जो अभ्यर्थी व्यापम में सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरेगा, उसे केवल एक ही बार अपनी पर्सनल प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, जिसके लिए अभ्यर्थी का नाम, पहचान पत्र, मूल निवास, शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र अपलोड, इसके अलावा अंगूठा, निशान इत्यादि अपलोड करने होंगे। एक बार समस्त दस्तावेज और जानकारियां अपलोड कर देने के बाद जैसे ही अभ्यर्थी अपना प्रोफाइल बनाएगा, उसके लिए एक पंजीयन नंबर जारी कर दिया जाएगा। इसी पंजीयन नंबर और पासवर्ड के आधार पर अभ्यर्थी भविष्य में कभी भी आवेदन कर सकते। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले, अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के लगातार समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुँचा सके। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का एक और सुनहरा अवसर आया है। 366 पदों के लिए भर्तियां निकाल दी गई हैं। 8 मई से इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी के लिए अवसर आया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण की बहाली के साथ ही प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्तियों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अर्थात ITI में प्रशिक्षण अधिकारी के 366 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें ऑल इन आवेदन की प्रक्रिया 8 मई सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इस पद के लिए केवल छत्तीसगढ़ के निवासी ही, मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। उनके पास इसका प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। और अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है विभाग की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के 1 इलेक्ट्रीशियन के 51 पद, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के 86 पद, टर्नर के 6, ड्राइवर कम मैकेनिक के 6, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के 1, फिटर के 48 पद शामिल है। इसमें इसके अलावा कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के 72 पद है। कुल मिलाकर पदों की संख्या 366 होने वाली है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के करतला में भीषण आग लग गई, जहां वार्डों से पूरा का पूरा धुआं भर गया। दरअसल खबर आ रही है कोरबा जिले के करतला से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भीषण आग लग गई। यहां बैटरी रूम में अचानक आग लगने की वजह से अस्पताल में अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई। सोलर सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने की बात कही जा रही है। घटना में रिकॉर्ड रूम में रखे सभी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची करतला पुलिस ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य
केंद्र करतला में धुआं भर गया था। वहीं धुएं के कारण मधुमक्खियां भी अपने छत्ते से निकलकर अस्पताल में आ गई, जिसकी वजह से लोग घबरा गए। धुएं के कारण मरीजों और उनके परिजनों के, यहां तक कि स्टाफ को भी सांस लेने में दिक्कतें होने लगी। सभी मरीजों को अस्पताल से जल्दी जल्दी बाहर निकाला गया। पुलिस की टीम ने आग पर काबू पाया। इधर आग लगने की सूचना पर करतला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की जमीनी पड़ताल भाजपा करेगी। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को निशाना बनाने की योजना बनाई गई है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर भाजपा ने रणनीति बनाई है। भाजपा के नेता व कार्यकर्ता लगातार सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जमीनी पड़ताल करने वाले हैं। पार्टी की सूत्रों की माने तो पिछले दिनों छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ ही भाजपा के प्रदेश मंत्रियों की घंटों बैठक में यह नीति बनाई गई। ऐसे में भाजपा का अगला टारगेट भूपेश बघेल सरकार की नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी योजना है। भाजपा के पदाधिकारी गोठान तक जाएंगे और हितग्राहियों से बातचीत करके उनका फीडबैक लेंगे। गौरतलब है कि इसके पहले भी भाजपा के निशाने में गोबर गोठान रहा है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक अजय चंद्राकर ने विधानसभा में आरोप लगाया था कि गोबर गोठानों में भ्रष्टाचार हुआ है। और अब खबर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर, जिन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में गौ संरक्षण को सराहा। भूपेश बघेल की तारीफ इन्होंने की, कहा अच्छा काम करते हैं। ज्योतिष पीठ के प्रमुख शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने टीम से बातचीत की, छत्तीसगढ़ सरकार के गौ संरक्षण को लेकर किए जा रहे काम को सराहा। उन्होंने साई बाबा को लेकर फिर से वो कहा कि वो ना तो भगवान है और ना ही गुरु और ना ही संत। इसके बाद भी कोई उन्हें पूछता है तो ये उनकी व्यक्तिगत श्रद्धा है। शंकराचार्य ने कहा कि गाय की रक्षा के लिए हम सभी को काम करना चाहिए। इस्लाम में भी कहा गया है कि जिसका हम दूध पीते हैं उसको काटना नहीं चाहिए। इसके बाद भी गाय काटी जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने क्या कुछ कहा इसके बारे में बता दें। दरअसल गौ संरक्षण को लेकर जो काम हो रहा है उनसे मैंने अन्य प्रदेशों में भी लोगों को बताया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गायों के संरक्षण को लेकर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। फिलहाल ये सभी बातें छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो भिलाई प्रवास पर रहे, माफ कीजिएगा, उन्होंने कही। कारोबारी एजाज ढेबर को 4 दिन के रिमांड पर ईडी रखने वाली है। जहां पर एजाज ढेबर से दफ्तर में पूछताछ जारी है। धरने पर महिलाएं बैठी हुई हैं। शराब घोटाले से ये मामला जुड़ा हुआ है। ईडी ने रायपुर के कारोबारी अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बात करें तो अगले 4 दिनों तक इनको रिमांड पर रखा जाएगा। अब बात करें तो महापौर एजाज ढेबर से भी अभी ईडी पूछताछ कर रही है। मार्च में ढेबर के घर और दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की थी। बीती रात रायपुर के एक होटल में ईडी की ने दबिश दी थी। वहीं पूछताछ के लिए ढेबर को बुलाया गया था। इसके बाद कुछ पुख्ता सबूत जो है हाथ लगने पर ईडी ने ढेबर को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बात करें तो बीती दोपहर ढेबर को रायपुर की अदालत में पेश किया गया था। ईडी ने जज अजय सिंह की अदालत में ढेबर को पेश कर रिमांड की मांग की थी। ऐसे में फिलहाल सुनवाई जारी है। ईडी की सूत्रों के मुताबिक आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर शहर के कुछ कारोबारियों ने शराब से अवैध कमाई की और मनी लॉन्ड्रिंग की है। इसी मामले की जांच चल रही है। यह प्रकरण पिछले सामने आए कोल मामले से अलग है। अंतिम खबर, जहां नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि नारायण चंदेल पहले अपने नेताओं के संपर्क में रहे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी बदलकर वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बहुत से कांग्रेस नेताओं के संपर्क में होने का दावा किया, जिस पर पलटवार करते हुए भूपेश बघेल ने चंदेल को नसीहत दे दी कि वो पहले अपनी पार्टी के नेताओं के संपर्क में रहें। इसके अलावा नारायण चंदेल ने कहा कि पूरा देश कांग्रेस के नेता पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में एक दो नहीं बल्कि कई कांग्रेसी नेता उनके संपर्क में हैं और बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पास कई कांग्रेस नेताओं के प्रस्ताव पेंडिंग हैं और चुनाव की तारीख नजदीक आते ही उनका बीजेपी में प्रवेश होगा। भूपेश बघेल ने चंदेल पर तंज कसते हुए कहा कि नारायण चंदेल पहले अपने नेताओं के संपर्क में रहे। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।